अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। आज की वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने होम बटन को कैसे सेलेक्ट सेट कर सकते हैं ना। बाज़ अवकात लोगों का होम बटन ख़राब हो जाता है, तो होम बटन ख़राब होगा तो उसके बाद आपको बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। मतलब स्क्रीन शॉट भी नहीं कैप्चर होता इसमें और बाकी बहुत से मसले होते हैं, तो वो आज की वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो ज़रा बेल आइकन का बटन भी दबा दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, आज की वीडियो में बटन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स में। अच्छा, सेटिंग्स में जाने के बाद सर्च ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लिखें ज़रा क्या नाम है उसका, शॉर्टकट एसेसिबिलिटी। देखिए हमारे पास आ गया, शॉर्टकट एसेसिबिलिटी भी आ रहा है। आप नीचे से भी आपको ओपन कर सकते हैं, नीचे भी आपको मिलेगा। आप नीचे स्वाइप करेंगे ना तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट बिल्कुल मिल रहा है ये, ठीक है। आपने इस पे जाना है, जाने के बाद आपको ऑप्शंस काफ़ी सारे आएंगे, स्क्रीनशॉट कैप्चर का भी आएगा, आपको बताएगा। लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है आज की वीडियो में, इजी टच का मैंने बताना है और एक और चीज़ बतानी है, उसके बाद बताऊँगा। इजी टच में आपने जाना है, इजी टच में जाने के बाद आपने जस्ट इसको ऑन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। देखिए ऑन हो गया, ये आ गया हमारे पास, देखें ऑन हाइड हो जाएगा। और जब आप इसको करेंगे तो ये ऑन करेंगे तो ये इजी टच का बटन हमारे पास क्लियरली आ गया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंट फाइल आ रहा है, कैलकुलेटर भी आ रहा है, स्क्रीन शॉट का भी आ रहा है ऑप्शन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी आ रहा है, बाकी स्क्रीन लॉक भी यहाँ से हो सकती है ना, तो ये काफ़ी बेहतर है। और इसमें आगे अगली बाकी चीज़ें मिल सकती हैं आपको नीचे, अगर आप देखें टैप एंड होल्ड, होल्ड एंड स्लाइड्स, होल्ड एंड साइड अप, ओपेसिटी के बारे में देखिए गिवन है, लाइन 100 तक गिवन है हमारे पास। अगर हम इसको डार्क करना चाहें तो हम इसको 100 तक ले जाएं, ठीक है। अगर डार्क नहीं पसंद, ज़्यादातर लोगों को लाइट ही पसंद होता है, ठीक है, लाइट पे करेंगे फिर भी हमारे पास शो होगा, ठीक है। ओपेसिटी हम 50 रखते हैं, 50 पे ये इस तरह 50 आर हो जाना, चलिए 58 रख लिया ओपेसिटी। नीचे भी ऑटो हाइड इन फुल स्क्रीन, ऑटो हाइड हमने ऑन किया भी क्योंकि खुद ही हाइड हो जाता है। अगला हमारे पास है, अगर हम इसको ऑटो हाइड को ना ऑन कर ऑफ़ कर दें तो फिर ये बिल्कुल बटन ना सामने ही रहता है, ये अंदर इस तरह नहीं जाता। इसको हम यू करेंगे जी, 30 सेकेंड का भी ऑप्शन है, 3 सेकेंड के बाद ये हमारे पास देखें हाइड हो जाएगा, अभी देखना आप ये में 1 2 3 ये भी हो गया, देखें इस तरह हाइड हो जाता है। फिर उसके बाद आपको मिल गया ये, ठीक है। अब अगली चीज़ मैं आपको बतानी थी नेविगेशन स्कीज के बारे में, ठीक है, वो आप कहाँ से सेट कर सकते हैं। सेटिंग में आना है अपनी पहली भी बायो सिस्टम नेविगेशन पे जाएंगे, ठीक है। सिस्टम नेविगेशन, नेविगेशन की सेलेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर एंड स्टाइल, अब इसका ऑर्डर बताना है हमने। ऑर्डर हमें 3 तरह के दिए हुए, इसने ऑर्डर दिए हुए, ठीक है, 3 तरह के दिए हुए, 1 भी दिए हुए हमने, मैंने तो 1 सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि 1 पे ना मुझे काफ़ी ईजीली हो जाता है, 1 पे मैं काफ़ी मतलब की प्रैक्टिस है मुझे, तो आप भी हो, आप भी मर्जी है आपकी, लेकिन पहला मतलब अच्छा है, मज़े का है, सिंपल है, सही है, बस यही था। इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है, नेविगेशन स्कीज का भी सेटिंग हो जाएगी यहाँ पर। आपने फिर आना होता है किधर, शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे आएंगे, बल्कि यहाँ पे आप डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन कर दीजिए कि आपके आपको कोई कॉल वगैरह ना आए ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान, ओके। अच्छा, फिर इजी टेस्ट में जानना होता है सिंपल, यहाँ पे आपने ओपेसिटी भी ठीक कर सकते हैं, बाकी भी टैप एंड होल्ड बटन भी दिया होता है, यहाँ पे भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं इजी टेस्ट को ऑफ यहाँ से कर दूँगा, सिंपल ऑफ हो गया। बाकी आज की वीडियो में बस तकरीबन इतना ही था, अगली वीडियो में यार जल्दी मुलाकात होती है, अगली वीडियो का इंतज़ार भी करते रहिए। अगर आपने बेल आइकन का बटन दबा लिया है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया है तो आप वीडियो का यार नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो। तो चलें आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे सिंपल इजी टच का बटन मैंने बताना था आज आपको। होम बटन अगर काम नहीं कर रहा तो ये काफ़ी इजी ट्रिक है, हर मोबाइल में होता है, हर एंड्रॉयड में होता है, ठीक है। एंड्रॉयड होम और आईफोन अगर आपके पास है तो उसमें होम बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे इजी टच का बटन है, आईफोन में आपको होम बटन लिखा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।